नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो आपको 974 रुपीज का डिविडेंड देने जा रहा है। उस शेयर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या आपको बाय करना चाहिए डिविडेंड के लिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये शेयर है हमारा मैजेस्को लिमिटेड, और मैजेस्को जो है अपने शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देने जा रहा है वो है 974 रुपीज का पर शेयर। जो डिविडेंड होता है वो पर शेयर होता है, मतलब एक शेयर पर इतना का। और इसके कारण देश ने आज इसमें 1% से ज्यादा का तेजी था। अभी जो इसका करेंट प्राइस है 982 रुपीज है, और 974 रुपीज आपको डिविडेंड ही मिल रहा है। मतलब सिर्फ उधर बात करें 8 रुपीज बचता है, बाकी बात इन्वेस्टर को रिटर्न हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोचा है, जो लोचा कहते हैं हम लोग अपने देसी भाषा में, बहुत लोचा है इसमें। क्योंकि कंपनी के बारे में हम यहाँ पर देखिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारा बिजनेस स्टैंडर्ड, इसमें जो मतलब न्यूज आया है इस डिविडेंड के ऊपर, उसमें आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो डिटेल में आप सीख पाएंगे। देख सकते हैं 974 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड दे रहा है, इंट्रीम डिविडेंड है। और यहाँ पर जो यूएस का जो बिजनेस था कंपनी का, उसको सेल किया है, जिसके कारण वहां से जो प्राप्त हुआ है, वहां से जो भी मतलब प्राप्त हुआ है कैश, उस कैश को डिविडेंड के रूप में पे करने जा रही कंपनी। तो जिसमें आपको यहाँ पर देखते हैं 974 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड है, और इसका करेंट प्राइस जो है 982 रुपीज है, जबकि पिछले दिन का क्लोज था 972 रुपीज। ये इंटरिम डिविडेंड जो पे आउट होगा, वो जिसमें टोटल अमाउंट जो यहाँ पर कंपनी पे करेगी 2788 रुपीज, और टोटल जो शेयर होल्डर है कंपनी का वो है 28.577 मिलियन। इतना मिलियन है, तो इसमें आप 10 से डिवाइड कर दीजिए तो इतना करोड़ हो जाएगा। मतलब 2.8 करोड़ शेयर होल्डर्स है, उसके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। साथ ही साथ कंपनी के पास रिजर्व भी है 103 करोड़ का। ये तो कंपनी के बारे में डिटेल हो गया, जो कि बैलेंस शीट पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कंपनी जो है बायबैक भी लाया है, 631 करोड़ का बायबैक प्रोग्राम भी लाया है कंपनी, जो कि अभी मतलब कुछ दिन बाद आने वाला है। उसके बाद नीचे चलते हैं तो मैजेस्को इंडिया जो होल्ड करता है इतना परसेंट स्टेक 74% यूएसआर में था, जहां से सेल किया तो टोटल जो प्राप्त हुआ 3800, जिसमें से टैक्स पे करने के बाद टोटल जो रिसीव हुआ कंपनी को 3121। और इसी 3121 में आप देख रहे हैं बायबैक भी कंपनी ला रही है और डिविडेंड भी पे कर रही है। तो डिविडेंड जो है इतना का पे कर रहा है 2788 का, 600 करोड़ का कंपनी जो है इसमें क्या कर रही है, बायबैक ला रही है। तो बायबैक लाएगी, पहले डिविडेंड पे करेगी फिर बायबैक लाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए नीचे, अब जो मुख्य चीजें पढ़नी है वह यहाँ से आप जो डिविडेंड पे करेंगे, डिविडेंड आपका जो होगा, जो आपका इनकम टैक्स है उस स्लेब के अनुसार, मतलब डिविडेंड पे टैक्स लगता है 1,00,000 रुपया के ऊपर, ये भी आप पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम 43% तक मतलब लग सकता है, जिनका काफी ज्यादा हाई मतलब इनकम टैक्स रिटर्न लगता है। तो डिविडेंड पे इनकम टैक्स स्लेब के अनुसार मतलब उस पर टैक्स लगता है। अगर आप 2,50,000 से ऊपर हैं तो आपको जो भी है 5% 10%, जो भी आप नए स्लेब के अनुसार भरते हैं या पुराने स्लेब कर सा, उस अनुसार टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको याद रखिएगा, इनकम टैक्स पे मतलब इनकम टैक्स भी लगेगा आपको, ये जो डिविडेंड आपका पे आउट होगा। अब उस सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, तो यहाँ पर टैक्स तो लगेगा ही, कि अगर डिविडेंड कंपनी पे कर देती है तो कंपनी के पास मात्र 103 करोड़ का कैश बचेगा और 70 करोड़ का रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बचेगा, जो कि इनका मेन ऑफिस है नवी मुंबई में। तो 70 करोड़ का वो बचेगा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, और 103 करोड़ का कैश बचेगा कंपनी के पास। उसके बाद कंपनी 5 करोड़ का एनुअली जनरेट करता है, 5 करोड़ कंपनी एनुअली जनरेट करता है, ये मतलब बचेगा कंपनी पास। बाकी बाद कंपनी में कुछ नहीं बचेगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर देखते हैं sptulsiyar.com इन्होंने बताया है। तो इसीलिए कंपनी में जो शेयर का प्राइस था उसमें ज़्यादा मूवमेंटम आपको देखने नहीं मिला। लेकिन अगर कंपनी 100 रुपये का भी डिविडेंड देता है तो कंपनी में के शेयर प्राइस में 100 रुपये का जंप देखने मिलता है। यहाँ कंपनी 974 रुपीज का डिविडेंड पे कर रही है, लेकिन कंपनी के शेयर के प्राइस में मात्र 8 रुपीज का जंप देखने मिला है। मतलब 10 रुपीज का कहे तो मात्र तेजी देखने मिला है। कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर तो गया था, अपना हाई बनाया ये 1010 रुपीज का, लेकिन फिर से कंपनी का शेयर प्राइस देखने 982 रुपीज पे ही आ गया। क्योंकि जो बड़े बड़े शेयर होल्डर है वो जानते हैं कि हम जो इसमें डिविडेंड के लिए बाय करेंगे तो सारा का सारा तो आधा तो चला जाएगा, मतलब इनकम टैक्स स्लेब के अनुसार इनकम टैक्स में ही। तो इसलिए कोई भी इसे बाय करने के लिए अभी तैयार नहीं होंगे। तो मुख्य रूप से इसे कब बाय करना, जब ये
मार्च में 200 रुपीज़ का स्टॉक था, उस समय आप बाय करते तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता अभी। और यहाँ पर आपने ये तो देख ही लिया कि 103 करोड़ कैश बचेगा, 70 करोड़ का प्रॉपर्टी बचेगा, कंपनी 5 करोड़ जो है एनुअली जनरेट करती है, बाकी बात कंपनी में कुछ नहीं है। तो मतलब आप कंपनी में जो अपसाइड पोटेंशियल है उतना नहीं देख सकते हैं, इतना ज़्यादा डिविडेंड पे करने के बाद भी कंपनी में जो पोटेंशियल है स्टॉक में वो नहीं दिख रहा है। तो इसलिए आपको सोचना है कि आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं है तो कुछ मतलब छोटे क्वांटिटी बाय कर सकते हैं और यहाँ पर लर्निंग ले सकते हैं, क्योंकि शेयर प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा मतलब डाउनफॉल होगा जैसे एक्स डिविडेंड डेट होगा, जो एक्स डिविडेंड डेट है उसके बाद शेयर का प्राइस उस दिन काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाएगा। अगर मतलब 100 रुपीज़ किसी का डिविडेंड आता है तो 100 रुपीज़ शेयर प्राइस नीचे आ जाता है, तो इस तरह का भी सिनेरियो आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। तो चलिए हम कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं। कंपनी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पर किस तरह का दिखती है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम कंपनी के वैल्यूएशन पर चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। तो कंपनी मार्केट कैप है लगभग 2900 करोड़, मतलब 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड देखते हैं कंपनी का 0.20% काफ़ी कम था डिविडेंड यील्ड, लेकिन इस बार कंपनी काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड पे कर रही है। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर देखते हैं, अर्निंग पर शेयर 833 रुपीज़, जो कि मतलब US आर्म सेल करने से जो इनकम प्राप्त हुआ उसके कारण है, नहीं तो कंपनी का इनकम कुछ खास नहीं था। 5 करोड़ का जनरेट कर रहा था, उसमें आप 2 करोड़ शेयर डिवाइड करेंगे जो शेयर होल्डर है 2.8, तो अर्निंग पर शेयर मात्र आपका 1.8 रुपीज़ आएगा, तो काफ़ी कम था। लेकिन US आर्म सेल करने से कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है सारा चीज़ काफ़ी बढ़ चुका है। लगभग अभी जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर आप कैलकुलेट करें या एसर्ट कैलकुलेट करेंगे पर शेयर, तो 1000 से ज़्यादा है। तो कंपनी का करेंट प्राइस जो होना चाहिए डिविडेंड पे करने से पहले 1000 रुपीज़ होना चाहिए शेयर का। तो इन सब बातों को आपको ध्यान देना है। कंपनी डिविडेंड देख सकते हैं मात्र 40% 30% इतना पे करती थी। बोनस देखें, कंपनी बोनस कभी नहीं दिए, स्प्लिट कभी नहीं हुआ स्टॉक। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स के पास देखें 38.23% है, जिसमें से 4.1% जो है शेयर प्लिस्ड है, 4.1% शेयर प्लिस्ड है प्रमोटर्स का। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान देना है। और वहीं सेल्स की बात करें तो पहले देख सकते हैं यहाँ पर 16 करोड़, 30 करोड़, 31 करोड़, 11 करोड़, तो कुछ खास नहीं था कंपनी का प्रॉफिट। इसमें भी अब जो US आर्म है इसका सेल हो चुका है, US आर्म के कारण यहाँ पर देखते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 2300 करोड़ हो चुका है। ये US आर्म सेल करने के कारण हुआ है, जो US का जो बिजनेस था कंपनी सेल किया है, जहाँ से इसको प्राप्त हुआ 3100 करोड़, तो उसके कारण आपको देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स है मात्र 2 करोड़ है यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स। तो काफ़ी मतलब कंपनी का सेल्स प्रॉफिट प्रभावित होगा, कंपनी कुछ खास ज़्यादा नहीं बचा है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान देना है। कंपनी का बैलेंस शीट भी आप देखते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट तो स्ट्रॉन्ग है, मतलब कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो कंपनी बैलेंस शीट पे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं 14 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस 600 करोड़ का है कंपनी के पास, और डीच चाहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी कंपनी पे करती है 146 करोड़ का, और लॉन्ग टर्म डेट कंपनी का 0 है, मतलब कंपनी के ऊपर कुछ भी डेट नहीं है। तो डेट बर्डन कंपनी के ऊपर 0 है, लेकिन जो कंपनी का बिजनेस है वो काफ़ी सीमित हो चुका है, US आर्म सेल कर चुका है कंपनी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब रेवेन्यू और सेल्स नहीं है कंपनी का। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ कंपनी का टेक्निकल चार्ट पे हम चलते हैं, कंपनी टेक्निकल चार्ट पे कैसा दिखता है उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे बात करें तो देखते हैं कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो मार्च में जो गिरावट आया था पैंडमिक के कारण लगभग 200 रुपीज़ के आसपास था, वहाँ से लगातार वन वे डायरेक्शन में कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर गया है। और यहाँ पर देखते हैं अपने ऑल टाइम हाई पर, जहाँ पर कंपनी शेयर प्राइस और ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए जो शेयर प्राइस है, आज देखते हैं यहाँ पर रेड कैंडल देखने मिला है। मतलब शेयर प्राइस में हो सकता है गिरावट हो, क्योंकि कंपनी का बिजनेस जो वो अच्छा खासा मतलब प्रभावित हो रहा है। इसके बाद कंपनी में कुछ खास दिखाई देने वाला नहीं है, बचने वाला नहीं है, जिसके कारण इतना ज़्यादा डिविडेंड देने के बावजूद कंपनी के शेयर प्राइस में कोई मूवमेंट अब देखने नहीं मिला है। साथ ही साथ अभी 10 डेज बाकी है एक्स डिविडेंड डेट में, तो 10 दिन में देखते हैं क्या कंपनी के शेयर प्राइस में कोई मोमेंटम आता है या नहीं, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देखते हैं अगर पूरे ऑल ओवर वीकली चार्ट है हमारा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हम वीकली चार्ट को ही फॉलो करते हैं, तो कंपनी टेक्निकल चार्ट पे काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है। देखते हैं इसका चार्ट में काफ़ी ज़्यादा कंपनी का शेयर प्राइस में गिरावट आया था, यहाँ पर मात्र जो हमारा इस साल है मार्च से काफ़ी तेज़ी देखने मिला था। लेकिन अब जो बुरी खबर है, कंपनी का बिजनेस US जो बिजनेस है US बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका है, तो इस तरह से कंपनी का बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुए। तो निश्चित है कि डिविडेंड के
बाद स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने आपको मिल सकता है। तो इस तरह से आप चाहे तो कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर छोटे क्वांटिटी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है क्योंकि शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ सकता है एक्स डिविडेंड डेट जो होगा उस दिन से। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। अगर यहाँ से मोमेंटम पकड़ता है स्टॉक तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, या नहीं तो यहाँ से डिविडेंड के बाद जो एक्स डिविडेंड डेट है उस दिन शेयर प्राइस 2 डिजिट में भी आ सकता है, क्योंकि हम देखते हैं जब 100 रुपया डिविडेंड होता है तब शेयर प्राइस 100 रुपया से गिर जाता है। 974 रुपीज़ है, 974 रुपीज़ से बचता अगर गिरता है शेयर प्राइस 2 डिजिट में आपको शेयर का प्राइस देखने मिल सकता है, क्योंकि आप कुछ खास कंपनी में भी नहीं बचा। तो इस तरह से आप सारे चीज़ों को सोच विचार करके उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचिएगा, फिर आप इसमें पोजिशन बना सकते हैं अगर डिविडेंड के लिए बनाते हैं, या आप इसमें जो इतना ह्यूज डिविडेंड है उसके कारण किसी तेज़ी की उम्मीद करते हैं तो उसके लिए पोजिशन बनाना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिएगा। तो एक्स डिविडेंड के डेट के दिन शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होगा ये तय है। आप जो है अब इसमें क्या होता है ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं एग्जैक्टली, कोई भी आपको नहीं बता सकता एग्जैक्टली इस स्टॉक में होगा क्या, लेकिन जो सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन था मैंने इसमें देने की कोशिश किया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।